नमस्कार, मैं बालाग्राम भट्ट संवाददाता। मैं आज ब्रह्मपुरी में फिर से वो है खाला जो है ऊपर से नीचे आ गया था भारी वर्षा होने के कारण। और ये देख सकते हैं आप, ये देखिए कितना पानी आ रहा है। ये श्रीगंडा माता मंदिर के समीप ये पूरा जो है रेला आ गया है पूरा वापस। ये ऊपर से खाला आ गया, सुबह हो गई है, ये देखिए काफ़ी मलबा आ चुका है। तो काफ़ी जो है पानी और मलबा जो है गांव की तरफ जा रहा है, वापस जो है खतरा हो गया है इस गांव के लिए ब्रह्मपुरी शहदारा का। शासन प्रशासन अभी तक यहां पर नहीं पहुंचा है। जेसीबी लगी है जो स्थानीय जो वीर सिंह चौहान है उनके द्वारा लगी गई है, और दो ट्रक लगाए गए हैं ताकि थोड़ा सा मलबा कम किया जा सकता है। लेकिन ये मलबा जो है पूरा जो है दिन पूरा दिन जाएगा इसको साफ करने में। ये वीर सिंह चौहान हमारे सामने खड़े हैं, काफ़ी काम करवा रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये पूरा जो है अगर इन्होंने जाल वाल ना भरा होता शायद और नुकसान हो सकता था और घर में अंदर जो है पानी घुस जाता था। ये देख सकती है जेसीबी अपना काम कर रही है, लेकिन जेसीबी इस बारिश और इस मलबे के सामने कुछ भी नहीं टिक पा रही है। फिर भी कोशिश है बचाने की, नाला पानी जो है उस तरफ रोड की तरफ करने की। डंपर भी खड़ा, लेकिन इस तरफ कोई जेसीबी अभी तक नहीं आई, एक ही जेसीबी चल रही है। ये कितना मोटा पानी जो है गांव की तरफ जा रहा है, देख सकते हैं आप। इस पानी का कटान करते हुए जो रोड की तरफ जाए गांव की तरफ ना जाए कोशिश करते हुए, लेकिन कोशिश नाकाम सी लग रही है क्योंकि मलबा काफ़ी तादाद पे आया हुआ है। ये वीर सिंह चौहान जी अपना कार्य करवाते हुए। ये खतरा जो हर साल का खतरा है ब्रह्मपुरी के लिए। बड़े बड़े बोल्डर हैं जो साथ में आए हुए हैं। वह देख सकते हैं किस तरह से बहुत अच्छा मलबा आ रहा है, बारिश अभी भी लगातार चल रही है। सुधीर सिंह चौहान भी अपना कार्य करते हुए। बचाने का पूरा प्रयत्न किया जा रहा है कि गांव की तरफ ज़्यादा पानी ना जाए, इसलिए जो है रोड की तरफ काटा जा रहा है। वीर सिंह चौहान जी अपना कार्य कर रहे हैं और काफ़ी सराहनीय कार्य है इनका। इस बार प्रशासन जो है यहाँ पर नहीं आया, खुद ही अपना काम करवाना पड़ रहा है लोकल लोगों को, लोकल प्रतिनिधि को। ये देख सकते कितना मलबा वापस आया है। लगातार इस खाले से जो है मरोठा में जो भू माफियाओं ने जो भूस्खलन किया है उस वजह से जो ये खाला बनाया, तो ये अपनी जो है अपना बारिश में अपना जगह बनाता हुआ, और हर समय इस तरीके से परेशानी होती रहेगी आम जनता के लोगों को, आम लोगों को। ये देखिए कितना खतरनाक मलबा दोबारा से आया है श्रीगंडा माता मंदिर के। आज तारीख है 20/8/2022, और पिछली जो है 3 तारीख को आया था, तो आज जो है 3 से 22 आपका 17 दिन बाद वापस एक खतरनाक मलबा वापस जो है श्रीगंडा माता मंदिर के समीप आते हुए। जेसीबी फंस चुकी है, अभी निकालने का कार्य किया जा रहा है जेसीबी को थोड़ा सा, क्योंकि वो
मशीन द्वारा जो है पानी उधर काटा गया रोड की तरफ, तो काफ़ी शायद मेरे हिसाब से थोड़ा सा पानी कम आएगा अपने गांव की तरफ, लेकिन दूसरी साइड से जो है पानी आ ही रहा है। वो देखिए जो उस तरफ से नजर रोड रोड आ रहा है वो पानी जो है जा ही रहा है। ये देखिए गांव साफ स्पष्ट नज़र आ रहा है नीचे आपको। खतरा देखो बरकरार है गांव के लिए, मंदिर से जो है रोड मेन रोड से जो है नीचे को आ रहा है, और ये पुस्ता जो घर बने हुए टूट सकते हैं क्योंकि लगातार आप देख सकते हो छेद हो चुका है इसमें, वो कटान हो रहा है गाँव का। गांव के सभी लोग आज पूरी रात सोए नहीं, काम चल रहा है। देखो पानी किस तरह से घर के अंदर घुसा जा रहा है, जो अभी रिपेयर किया था कितना मलबा है आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं अभी आपको क्लियर दिखना है कितना मलबा आया है यहाँ पे। और लगातार मलबा आता जा रहा है, ये देखते हैं काफी खतरनाक मलबा आया है, पिछली बार से ज्यादा है, लेकिन इस बार नुकसान तो हुआ है लेकिन आदमी सतर्क थे। देखिए कितनी खतरनाक मात्रा में जो है यहाँ पर मलबा आया हुआ है ये मरोठा से। काफी खतरनाक दृश्य है अगर आप रात को देखते, अभी सुबह के 5 बज रहे हैं, 5:30 के आसपास बज रहे हैं। दोबारा जो है वापस आपदा जो है ब्रह्मपुरी इलाके में आते हुए खतरनाक आपदा दोबारा आई है, और यहाँ पर कोई राहत के लिए कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है, ना NDRF है ना कोई, मतलब जो भी स्थानीय लोगों को खुद ही करना पड़ रहा है। ये देख सकते हैं ब्रह्मपुरी गांव, जो देखिए सब जिस यहाँ पे जबकि पुश्ते भरे गए हैं, देखो जाल भरा गया है, लेकिन फिर भी जो है गांव के देखो उस लेवल में जो है वापस गांव के अंदर जाते ही दीवार तोड़ने के चांसेस ज़्यादा है। सब लोग परेशान हैं, गांव वाले छत पे घूम रहे हैं, और कई जगह तो पानी घुस चुका है, आप देख सकते हैं जूम करके मैं दिखाऊंगा, तालाब बन चुका है, ये देख सकते हैं तालाब बन चुका है वहाँ पर, और देख किस तरह से काम चल रहा है। गाँव के लोग जो है घूमते हुए रात भर ये सोए नहीं है, छतों पर देख रहे हैं कि क्या हम इसको बचा सकते हैं, लेकिन प्रकृति आपदा है और भूमाफियाओं का इसमें हाथ है, तो अब वो आपदा तो हर बार बढ़ती जाएगी। सरकारी कर्मचारी प्रशासन का कोई नहीं है यहाँ पर, उनको खबर होने के बावजूद भी कोई नहीं है। ये देख सकते हैं मूसलाधार बारिश लगातार चालू है, वो देख सकते हैं आप, ये वापस अपना वही मुंह बनाते हुए उसी तरीके से जो है जल अपना रास्ता बनाते हुए फिर उसी दिशा में निकल चुका है जहां उसे जाना चाहिए था, क्योंकि पानी का और रोका ही नहीं जा सकता, लेकिन कोशिश की जा सकती है सिर्फ। प्रशासन को सख्त कदम नहीं उठाए हैं जो भूमाफियाओं पे हैं और खनन माफियाओं पे हैं, इन पर जो है सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं की वजह से तो होता ही रहेगा, ये हर बार का है, लोग परेशान हैं, हर एक आदमी परेशान है। देखिए ये जाल भरे गए हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, दो जाल की वजह से शायद थोड़ा फोर्स कम हुआ है तो ये कट गया है। वीर सिंह चौहान के घर होते हुए जो है
रमेश सिंह के घर से होते हुए इंद्रेश और गुप्ता जी के घर में घुसता है पानी, और वो काफ़ी घर के अंदर घुस चुका है अभी भी। ये लेटेस्ट है, नई जो लेटेस्ट जो चीज़ हुई है ये आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये पूरा ब्रह्मपुरी गांव है जो कि इसकी जद में है, देख सकते हैं आप। ये लगातार मलबा देखो किस स्पीड में आता हुआ ब्रह्मपुरी की तरफ, रोकना बड़ा मुश्किल है। मशीन अपना काम कर रही है लेकिन देखते हैं कितना अपना रोक सकते हैं। और ये देख सकते हैं पानी बड़ा खतरनाक तरीके से ब्रह्मपुरी पे जाता हुआ, ये देख सकते हैं काफ़ी मात्रा में नुकसान करते हुए जो है वापस घरों को नुकसान पहुंचाता हुआ। देखिए कितना खतरनाक मलबा है, आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। अभी हम रात से यहाँ पर दस्त कर रहे हैं, कोई न्यूज़ वाला कोई सरकारी कर्मचारी कोई नहीं यहाँ पहुँचा है, ना राहत कर्मी, ना प्रशासन, ना DM, ना SDM, ना मंत्री, ना संतरी, फिर से खतरा बना हुआ है उसकी गाँव के।